ये बाप जा रहे ना। ठीक है ठीक है, मेरा साहिल साहिल रखा है जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मुकेश गौतम, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा है और आज बिलासपुर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये बिलासपुर का लुहनू मैदान है जहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो कुछ देर में यहां पे उतरेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने तैयारियाँ पूर्ण कर ली हैं, इसके अलावा सुरक्षा की भी यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा का पहला बिलासपुर दौरा है, जिसको लेकर के वो आज बिलासपुर पहुंच रहे हैं और उनका अभिनंदन यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया है। और कुछ ही देर में उनका जो कारवा है वो यहां पे लुहनू मैदान में उतरेगा और पुलिस ने यहां पर उनके लिए जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। और जेपी नड्डा जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में केंद्र में कार्यरत रहे हैं, वहीं पर अब उन्हें स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा भी दिया गया है। और बिलासपुर उनका गृह जिला क्षेत्र है, हरियाणा के इलेक्शन के बाद अब सीधा बिलासपुर अपने गृह जिला में पहुंच रहे हैं, तो लोगों में भी भारी उत्साह है, पुलिस बल भी पूरी तरह तैयार है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कुछ ही देर में उनका कारवा यहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो यहाँ उतरेंगे और उसके बाद फिर कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाएगा। हमारे साथ सोनल जी जुड़े हैं, भाजपा की मीडिया प्रभारी है। सर कैसा है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे हैं बिलासपुर, तो कैसी तैयारी है जी? लोगों में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर कि नड्डा जी पहली बार यहाँ पे बिलासपुर के धरती पे आ रहे हैं मंत्री बनने के बाद। लोगों में तो बहुत उत्साह है, कम से कम कोई 10,000 लोगों के आने की यहाँ पे संभावना है जी। तो सोनल जी का कहना है कि काफ़ी लोगों में उत्साह है, उनका ये गृह क्षेत्र है और लगभग 10,000 लोग जो है वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचेंगे। जेपी नड्डा बिलासपुर के लिए उनका हमेशा ही काफ़ी योगदान रहा है, चाहे वो बिलासपुर में एम्स की बात हो या अन्य जो सुविधाएं हैं बिलासपुर में, समय समय पर उनका काफ़ी योगदान रहता है और बिलासपुर के लोगों का स्नेह और प्यार उनके प्रति बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते काफ़ी संख्या में लोग जो है उनके स्वागत के लिए पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है और एम्बुलेंस भी यहाँ पहुंच चुकी है और पुलिस बल जगह जगह यहाँ पर तैनात किया गया है। और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनके साथ कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की हिमाचल के यहाँ पहुँचने की संभावना है।
और ये हेलीपैड है जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। गोविंद सागर झील के किनारे ये भव्य लोनू स्टेडियम है और सामने आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, ये जो बनाया गया है, ये बड़े बड़े स्तंभ, ये भनुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन का ये फ्लाईओवर है जो गोविंद सागर झील के साथ साथ यहाँ से ट्रेन गुजरेगी, तो बहुत ही मनमोहक दृश्य उस समय नज़र आएगा। और जो भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला बिलासपुर दौरा है जिसको लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और कुछ ही देर में वो बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त पूर्ण कर लिए गए हैं और हम लगातार आपको आज के कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। Thank you.